और वहीं आज आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐलानाबाद से विधायक अभय चौटाला को लेकर जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऐलानाबाद से विधायक अभय चौटाला, उन्होंने एक बार फिर से जेजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा है कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से जेजेपी के विधायक नाराज चल रहे हैं, और साथ ही उनका यह भी कहना है जेजेपी विधायकों का कि देखिए जो भी काम हो रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा ही ये काम हो रहे हैं, और जो नाराजगी है अभय चौटाला को लेकर उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए, और प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रही है, साथ ही आज प्रदेश में जंगल राज है, और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो घोटाला है निगम घोटाला, सबसे पहले शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और कोरोना काल में दवाइयों की खरीद में भी घोटाला हुआ है, तमाम बातों को लेकर उन्होंने ये आरोप सरकार पर लगाए हैं। अंदर आज महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी उससे भी ज्यादा बढ़ी है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, आज जंगल का राज है, आज लुटेरे दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं, आज रोजाना चाहे अमृत योजना का घोटाला लो, चाहे आप नगर पालिका नगर परिषद के घोटाले लो, उससे पहले शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और कोरोना के वक्त में जो दवाइयाँ खरीदी गई उसका घोटाला, अनेक घोटाले इस प्रदेश में भी, नौकरियों के नाम के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपये लोगों से लिए गए जो पकड़े भी गए, लेकिन जो एक्चुअल में जो लोग लेने वाले थे सरकार ने कहीं उनको बचा करके ऐसे लोगों के जुम्मे लगा दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। आज जिस ढंग से विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, आप इससे एहसास हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है,